तुम्हारे पास वाइब्रेनियम जरूर है, लेकिन कोई पेशा नहीं जीतता। सिपाही हमारे। खेल खत्म हुआ। अब हमारे दोस्त को चुना। अब शोर के शहंशाह के सामने झुक जाओ। एहसान के लिए शुक्रिया। क्लॉक का ध्यान हटाने से मेरी और मेरे राजा की भी जान बची। एहसान का मौका छुपाने का बहुत जल्द मौका मिलेगा तुम्हें। अभी जिंदा हो निराश करने वाली बात है। निराश तो तुम्हारा चेहरा देखकर होते हैं। और कोई मजाक पसंद आए? मैंने हर एक बात सुनी है और तुम्हारी हार के बाद तुम्हारी जीत भी सुनूंगा। बहादुरी और जोश, तुम एवेंजर्स हैरान कर देते हो। जल्दी मौका मिल गया। एहसान का बदला चुका दिया होता है। लिफ्ट चाहिए तुम्हें? इतनी बेकार पकपक के बावजूद तुम प्रेशर में अच्छा काम कर रहे हो। ये तो कुछ नहीं है, हमारे साथ रहो तो पता चलेगा हम क्या क्या कर सकते हैं। इससे बचने का कोई तरीका नहीं। बचने की जरूरत भी नहीं। हमने हर तरह के दुश्मन को हराया है, पर पीले तूफान को नहीं हराया है। पर आज हराएंगे। और पहाड़ का मुकाबला और दो जीत गया। यही सही मौका है। गो। Avengers असेंबल। मैं सिग्नल को जैम करता हूँ जिससे क्लॉ हमारे सेंसर बैलेंस पर हमला करता था, लेकिन क्लॉ को जैम करने के लिए सही फ्रीक्वेंसी स्कैन नहीं हो रही। तो उससे स्कैन मत करो, उसका वाइब्रेनियम स्कैन करो। शायद तुम सही कह रहे हो। सॉरी, काउंटर सिग्नल कैलिब्रेट हो गए हैं। हम तैयार हैं, शुरू करो। इसी बात क्लॉ, मैं तुम्हें वकांडा ले जाऊंगा तुम्हारे गुनाहों का हिसाब करने। सुना तुमने? यानी मैं तुम्हारी हां समझू? ये वाइब्रेनियम तुम्हारे लोगों का है। ये शील्ड पहले यहां की अमानत थी, लेकिन अब ये सही इंसान के पास है। इसे तुम्हारे हाथों में देखकर हमें खुशी होगी। शायद मेरे डैड भी यही चाहते थे। तो अनीका, तुम फिर से गार्ड ड्यूटी पर? दरअसल राजा को लगता है हम दोरा मिला जो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो मुझे स्पेशल फोर्सेस का हेड बनाना चाहते हैं या स्विट्जरलैंड का राजदूत, दोनों में से एक। अवेंजर दो मिनट दूर है, हम बस यहाँ से निकल ही रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तुम एवेंजर्स को हमारा गेस्ट बनकर रहना होगा। वकांडा की मेहमान नवाजी तो देखते जाओ। हो, मेहमान नवाजी? इसका मतलब रात को तुम्हारे महल में सोने का मौका मिलेगा हमें? नहीं, बाहर वाले महल में नहीं सोते, लेकिन तुम्हारे मामले में मैं शायद छूट दे दूंगा। ब्लैक पैंथर, तुमने आगे चलकर एवेंजर से जुड़ने का कोई फैसला किया? मैं जल्दबाजी में फैसला नहीं करता दोस्तों, कोई फैसला नहीं करता।